नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है हाल ही में परिवर्तन की गई नई समय सारणी के अनुसार चलने वाली मलाणी सुपरफास्ट एक्सप्रेस की। दोस्तों, इस ट्रेन की समय सारणी में 1 अक्टूबर से परिवर्तन किया गया है, यानी कि दोस्तों अब यह ट्रेन 1 अक्टूबर 2022 से एक नई समय सारणी के अनुसार चलती है। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं ट्रेन नंबर 20487 बाड़मेर दिल्ली मलाणी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो सप्ताह में 2 दिन सोमवार तथा गुरुवार को बाड़मेर से दिल्ली जंक्शन के बीच चलती है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं उसके ट्रेवल टाइम की तो यह बाड़मेर से दिल्ली जंक्शन के बीच 828 किलोमीटर की यात्रा लगभग 14 घंटे 55 मिनट में पूरा करती है। इसके बीच यह 17 स्टेशनों पर रुकती है। इसकी एवरेज स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटे है तथा इसकी मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे है। दोस्तों, अगर मैं बात क्रूज ट्रेन में लगने वाले कोच की तो इसमें ICF रेक श्रेणी के सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास तथा जनरल क्लास के कोच लगते हैं। दोस्तों, इस ट्रेन की टिकट हम हैंड टू हैंड रेलवे स्टेशन से भी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस ट्रेन का टिकट किराया जानना है तो कृपया IRCTC की वेबसाइट पे जाकर एक बार अवश्य चेक कर ले। दोस्तों, अगर मैं बात क्रूज ट्रेन में लगने वाले लोकोमोटिव की तो इसमें बाड़मेर से दिल्ली के बीच तगलुकाबाद लोको शेड का WDP-4D डीजल लोकोमोटिव लगता है। तो आइए दोस्तों, इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में विस्तारित रूप से जान लेते हैं। दोस्तों, मलाणी सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो नई समय सारणी के अनुसार बाड़मेर रेलवे स्टेशन से रात को 10:20 पर रवाना होने के बाद इसका पहला स्टेशन है उतरलाई 10:30 पर पहुंचती है। 2 मिनट के ठहराव के बाद 10:32 पर यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है बायतू 11:02 पर, 2 मिनट के ठहराव के बाद 11:04 पर यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है बालोतरा जंक्शन 11:41 पर, 5 मिनट के ठहराव के बाद 11:46 पर यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है सामदरी जंक्शन रात को 12:23 पे, 5 मिनट के ठहराव के बाद 12:28 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है लूनी जंक्शन 1:06 पे, 3 मिनट के ठहराव के बाद 1:09 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है जोधपुर जंक्शन 1:35 पे, 10 मिनट के ठहराव के बाद 1:45 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है मेड़ता रोड जंक्शन 3:09 पे, 5 मिनट के ठहराव के बाद 3:14 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है डेगाना जंक्शन 3:55 पे, 3 मिनट के ठहराव के बाद 3:58 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है मकराना जंक्शन 4:28 पे, 3 मिनट के ठहराव के बाद 4:31 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है फुलेरा 6:00 तथा 5 मिनट के ठहराव के बाद 6:05 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है जयपुर जंक्शन 6:50 पे, 10 मिनट के ठहराव के बाद 7:00 यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है गांधीनगर जयपुर 7:16 पे तथा 3 मिनट के ठहराव के बाद 7:19 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे दौसा 8:02 पे, 2 मिनट के ठहराव के बाद 8:04 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है अलवर 9:07 पे, 3 मिनट के ठहराव के बाद 9:10 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है रेवाड़ी जंक्शन 10:35 पे, 5 मिनट के ठहराव के बाद 10:40 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है गुड़गांव 11:26 पे, 2 मिनट के ठहराव के बाद 11:28 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है दिल्ली कैंट 2:43 पे, 2 मिनट के ठहराव के बाद 11:45 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है दिल्ली जंक्शन 2:12:35 पे तथा यहाँ पर अपनी यात्रा को पूरा करती है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी जानकारी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।